हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएससी लर्नर्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो कि आपके डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें यूनिट 3 मैंने स्टार्ट कराई हुई है, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड एजुकेशनिस्ट इन ECC। तो उसमें आपका टॉपिक रह गया है गीजूभाई बढ़े का। सो हम प्रॉपर गीजूभाई बढ़े का के बारे में देखेंगे। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेंगे नोट्स, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गीजूभाई बढ़े का थे कौन। सो गीजूभाई बढ़ेका जो हैं, ये एक ग्रेट पर्सनालिटी थे और ये प्री स्कूल एजुकेशन की फील्ड में एक पायनियर थे। ये 15 नवंबर 1885 को पैदा हुए थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया छोटे बच्चे को पढ़ाने में। एंड ही टुक कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग एट अ यंग एज। मतलब इन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, काफ़ी इंटरेस्ट लिया। एंड इन्होंने फिर एक जॉब ली, वो कहाँ पे थी, ये दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में ये जॉब करते थे। देन ये वहाँ के हेडमास्टर बन गए, कहाँ के, विनय मंदिर स्कूल के। इस टाइम में इन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया टीचर्स को भी एंड स्टूडेंट्स को भी। बट वो क्या था, इट वॉज द वर्ल्ड ऑफ लिटिल चिल्ड्रन दैट बिकेम क्लोज टू हिज हर्ट। यानी कि इनको क्या हुआ, जो छोटे बच्चों का वर्ल्ड था, यानी छोटे बच्चे थे, प्री स्कूलर्स थे, वो इनके दिल के बहुत करीब आ गए। बट चिल्ड्रन एंड देयर एजुकेशन स्टर्ड हिज माइंड एंड ही वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर देम। बच्चे जो थे छोटे और उनकी एजुकेशन, इनके माइंड को उन्होंने बिल्कुल हिला दिया और ये चाहते थे कि मैं इस चीज़ उनके लिए कुछ करूं। सो फाइनली इन्होंने हाई स्कूल के जॉब के लिए रिज़ाइन दे दिया एंड फ्रॉम द हाई स्कूल जॉब टू स्टार्ट हिज स्कूल फॉर चिल्ड्रन नोन एज बाल मंदिर। यानी कि इन्होंने अपनी जो जहाँ पे जॉब कर रहे थे विनय मंदिर में, वहाँ पे इन्होंने रिज़ाइन दे दिया हाई स्कूल का। एंड देन क्यों रिज़ाइन दिया, क्योंकि अपना स्कूल खोलना चाहते थे बाल मंदिर। देन जैसे ही इन्होंने अपना नया नया स्कूल खोला, इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों पे, उनके लर्निंग पे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जो किससे ज़्यादा प्रभावित थी, मैडम मॉन्टेसरी। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, मैडम मॉन्टेसरी की राइटिंग्स पे, उन्हीं के ही पद चिन्हों पे चलकर अपना स्कूल जो है चलाया और उन्हीं की ही एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने काफ़ी कंडक्ट किए। तो हालांकि जो गीजूभाई थे उनको पता था कि जो टास्क है इजी नहीं है एंड इनको एक अपना ही डिक्टम, एक अपना ही सब कुछ डिस्कवर करना पड़ेगा। बट जो इन्होंने बहुत सिंसियर एफर्ट्स दिखाए और काफ़ी बहुत कंसर्न दिखाई और इन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। जो भी इनके माइंड में विजन था ना, वो इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल आगे तक बढ़ाया। उस टाइम पे इतना अनयूजल नहीं था कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए 3 से 6 साल के बच्चों को। तो बाल मंदिर जो था, बाल मंदिर ऑफ दक्षिणामूर्ति स्कूल ऑफ भवनागर, ये कब एस्टैब्लिश हुआ, 1920 में, प्री स्कूल के बच्चों के लिए। इन्होंने अपने ड्रीम्स को रियलाइज किया अपने स्कूल के द्वारा, जहाँ पे इनको लगता था कि यहाँ पे कोई फियर नहीं है। इन्होंने बच्चों को अडोर किया और मतलब बच्चों से बहुत वो होते थे, प्रभावित होते थे, खुश होते थे और इनको बिल्कुल उनके चेहरे देखकर बिल्कुल शांति, पीस का वो लगता था कि ये तो बच्चे बहुत शांति का प्रतीक है। इन्होंने क्या किया, व्हाट डिस्टिंग्विशेस बाल मंदिर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी एज अ मिनिएचर अडल्ट। इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उसको मिनिएचर अडल्ट समझो, यानी बड़े लोगों का ही छोटापन जो है वो बच्चे हैं। बाय दिस ही मेंट दैट द चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब जैसे बड़े को इज्जत चाहिए, बड़े को एक्नॉलेजमेंट चाहिए, सेम वे एक छोटे बच्चे को इज्जत भी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो हमें वो देना है और इन्होंने ये चीज़ें गाइड की। जो स्कूल था उसका एक वो कहाँ लोकेटेड था, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट था, स्पेक्टेकुलर एनवायरनमेंट था, नेचर के आसपास था। स्टोरीज एंड गेम्स जो थी वो बच्चों को वहाँ पे सुनाई जाती थी।
यहाँ पे एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया जाता था बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे से सीखे। जो ओल्डर चिल्ड्रन होते थे यानी बड़े बच्चे, वो छोटे बच्चों को हेल्प करते थे, और जो बच्चे थे वो अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते थे रात को भी कभी कभी, ताकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस वो बच्चे ग्रहण कर सके। शुरुआत में गिजुबाई ने क्या किया, कुछ टूल्स यूज करे जो मैडम मॉन्टेसरी ने दिए थे, बट वो उनको लगा कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो धीरे धीरे इन्होंने इनएक्सपेंसिव चीज़ों से पढ़ाना शुरू करा, यानी लोकल मेड टूल्स बनाए। जैसे कि हम बना लेते हैं, हम बॉटल से ही कुछ बच्चों के लिए खेलने का यू नो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना लेते हैं, वेस्ट मटेरियल से कुछ भी बना लेते हैं, तो वो इन्होंने करा। इन्होंने नेचर को भी यू नो ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, नेचर वॉक्स और आउटिंग्स। इनके मतलब इनके जो करिकुलम में, इनके स्कूल में नेचर वॉक और आउटिंग्स ये बिल्कुल रेगुलर रहते थे, मतलब ये ज़्यादातर इस चीज़ को भी प्रेफर करते थे। इन्होंने कहा कि कुछ टेक्निक्स और टूल्स ही इनफ नहीं होते बच्चों को अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स पढ़ाने के लिए, बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे बच्चे अपने आप को फ्री फील कर सकें, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें बिना किसी हेजिटेशन के। इनके अनुसार एक गुड टीचर वो है जो बच्चे को सुनेगी केयरफुली, उनको ऑब्जर्व करेगी अटेंटिवली और उनके एफर्ट्स को उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, बल्कि फैसिलिटेट करेगी कि हाँ आप लोग कर सकते हो। जो गिजुबाई थे इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी एजुकेशन पे बच्चों की गुजराती में, तो जो बुक्स थी उसमें स्टोरीज थी, राइम्स थी, सॉन्ग्स थी बच्चों के लिए। इन्होंने पेरेंट्स एंड गार्जियंस के लिए भी काफ़ी बुक्स लिखी। इनको लगता था कि अगर हम पेरेंट्स को यू नो एजुकेट कर रहे हैं ना, तो बच्चों को भी हम एजुकेट कर सकते हैं, और पेरेंट्स को एजुकेट करने का मतलब है ताकि हम उनको अवेयर करें कि बच्चों की नीड्स क्या हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। गिजुबाई जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे किससे, एनवायरनमेंट से, और ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को दो फ्रीडम वाला जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाए मॉन्टेसरी सिस्टम के अंदर। तो सेम प्रिंसिपल फ्रीडम का जो प्रिंसिपल था वो इन्होंने अपने स्कूल में भी अप्लाई किया। इन्होंने ये स्ट्रेस दिया कि चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट फ्री फॉर देयर फुल डेवलपमेंट, बच्चों को फ्री बिल्कुल छोड़ा जाना चाहिए ताकि वो अपना जो है फुल्ली डेवलप हो जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। यहाँ पे चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट आएगा, सो यहाँ पे करेक्शन है, एक बार चेक कर लेना इसको, मगर लिख लेना। दिस ग्रेट एजुकेशनिस्ट इंस्पायर्ड मैनी पर्सन्स इन गुजरात। इस एजुकेशनिस्ट ने गुजरात में, महाराष्ट्र में और काफ़ी स्टेट्स में चाइल्ड एजुकेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर किया काफ़ी लोगों को, अपने काम से भी, अपने और फिलोसफी से भी। और ये 1939 में इनका देहांत हो गया। सो ये हिंदी मीडियम का है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलो। बाकी कोई भी दिक्कत आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। गिजुबाई भदेका के बारे में इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, पेपर में भी ज़्यादा नहीं आएगा। सो डोंट वरी, डोंट रश ऑन यू नो नोट्स, नोट्स पे रश मत करो। मैं स्टिल ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को सारे नोट्स मिले, हर चीज़ के नोट्स मिले, बट स्टिल मैं यही कहूँगी ये नोट्स कभी भी काम नहीं आते, काम आता है अपना अंडरस्टैंडिंग, और एग्ज़ाम में वही काम आएगा जो आपने क्लास में समझा या जो आपने मेरे से वीडियो में लाइव सेशन में समझा। नोट्स आप लिखोगे ठीक है, आपके पास रहेंगे, बट कभी कभी भूल भी जाते हैं, रट्टे नहीं लगा सकते ना हर चीज़ को। चलिए दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया समझ कुछ भी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।